बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। एक्चुअली उन्होंने जो मिक्स किया है बॉलीवुड और टॉलीवुड को, वो कंसेप्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अंग्रेज की हीरोइन अपने भारतीय को बल मिल गई और क्या चाहिए। कबूत तो उतरने तो पहले इसका उतरेगा, देन केजीएफ देखेंगे। बेस्ट पार्ट ये लगा जब दोनों को रियलाइज होता है कि दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते और उनकी फ्रेंडशिप उनको स्ट्रॉन्ग बनाती है। मैं देखना चाहता हूँ, केजीएफ 1 देखा हूँ, केजीएफ 2 भी देखूंगा जरूर। आपको आरआर मूवी कैसे लगी? बहुत ज्यादा अच्छी लगी, लाइक बहुत ज्यादा इमोशनल भी थी, एक्शनल भी थी, वो मिक्सचर था बहुत ज्यादा, तो मुझे बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छा मूवी है, बहुत अच्छी डायरेक्शन है और 3D में तो खास करके बहुत अच्छी लगी। सुपर एक्सेलेंट SS Rajamouli सर का पिक्चर, एक नंबर, बेस्ट द बेस्ट। NTR इज किल्ड द मूवी एंड आई लव द मूवी एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ देम टू प्लीज वॉच दिस मूवी। आरआर मूवी की आपको कास्टिंग कैसे लगी? बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। एक्चुअली उन्होंने जो मिक्स किया है बॉलीवुड और टॉलीवुड को, वो कंसेप्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। रामचरण तो पर्सनली मेरा भी फेवरेट एक्टर था और अजय देवगन भी, तो उन दोनों का मिक्सचर मुझे बहुत अच्छा लगा, वो भी अच्छे थे। बहुत अच्छा था, सभी कैरेक्टर लोग ने अपना रोल बहुत अच्छी तरह निभाया है। कास्टिंग एब्सोल्युटली बहुत अच्छी है, इसमें हर एक का रोल, हर एक का विजुअलिटी, इट्स ऑसम एंड वी लव इट। आरआर मूवी के आपको सॉन्ग्स कैसे लगे? बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल थे और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया, एंजॉय किया, लाइक रोने धोने वाले नहीं थे, तो दे वे गुड। सुपर। आपको मूवी का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा? वो अंग्रेज की हीरोइन अपने भारतीय को भले मिल गई और क्या चाहिए। बेस्ट पार्ट ये लगा जब दोनों को रियलाइज होता है कि दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते और उनकी फ्रेंडशिप उनको स्ट्रॉन्ग बनाती है। एवरीथिंग इज इन द मूवी इज द बेस्ट, नथिंग वी कैन से दैट मूवी डाउन है, अप है, डाउन है, अप है, ऐसा नहीं, ऑसम, वी लव द मूवी। मूवी में अजय देवगन का क्या रोल है? मुझे मूवी में अजय देवगन जो हीरो रहता है राम, उसके पिताजी का रोल निभाया, उन्होंने बहुत अच्छा एक्टिंग किया और एक क्रांतिकारी रूप में दिखाया उनको। अजय देवगन का बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल था, मतलब बहुत कम देर तक था लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था उसका पूरे मूवी पे, लाइक 10 मिनट्स ही था बट उसने इतना भारी इम्पैक्ट दिया पूरी मूवी पे, लाइक डायरेक्ट कर दिया पूरी मूवी को और लाइक थंडर स्टील कर दिया पूरी मूवी का। अजय देवगन सर का रोल यही है कि उन्होंने जो रामचंद्र को दिया सस्पेंस जो बना के रखा है अजय देवगन का एंड उनके सन का, इट्स लवली। आप ये मूवी को कितना रेटिंग देना चाहते हो? 10/10 फ्रॉम माय साइड। 10/20। वी कांट रेट दिस मूवी, इट्स अबोव देन दैट। अभी 14 अप्रैल को केजीएफ 2 आ रहा है, उसके लिए आप कितना एक्साइटमेंट हो? इसका भूत तो उतरने तो पहले, इसका उतरेगा देन केजीएफ देखेंगे। तो बहुत ज्यादा, अगेन वो टॉलीवुड मूवी है तो उसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। मैं देखना चाहता हूं, केजीएफ 1 देखा हूं, केजीएफ 2 भी देखूंगा जरूर। थैंक यू सो मच। सो गाइस, ये था फाइनली फैंस का रिएक्शन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और एक प्यारा सा कमेंट करो, और हमारे वीडियो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेंगे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में।